28 सितंबर को बड़े पर्दे पर आ रही है फिल्म सुई धागा मेड इन इंडिया। अनुष्का शर्मा इसमें ममता का किरदार प्ले कर रही है, जो एम्ब्रॉयडरी करती है और अपने पति का साथ देती है ताकि वो एक नामी गिरामी टेलर बन पाए, इनका बिजनेस चल पाए। तो इसके लिए एम्ब्रॉयडरी अनुष्का ने कब सीखी? अनुष्का के लिए कहते हैं कि वो एक परफेक्शनिस्ट है, जो भी कैरेक्टर करती है उसके जैसा बन जाती है। अपने इस रोल को सक्सेसफुली निभाने के लिए उन्होंने एम्ब्रॉयडरी सीखी है। हालांकि अनुष्का ने अपने स्कूल लेवल पर थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी की थी, इसलिए उन्हें प्रैक्टिस है, बट यहाँ उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग ली। 2 महीने तक एम्ब्रॉयडरी सीखी और इसकी वो प्रैक्टिस हर दिन करती थी। जब वो सेट पर फ्री बैठी रहती थी तब भी उनकी एम्ब्रॉयडरी चलती रहती थी और फिर उन्हें टाइम पास करने में मजा आने लगा एम्ब्रॉयडरी से, इसीलिए उन्होंने उस पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया एंड शी वॉज हैविंग फन ऑन द सेट्स। सुई धागा मेड इन इंडिया को डायरेक्ट कर रहे हैं शरद कटारिया और ये फिल्म एक सल्यूट होगा उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अपने स्किल के दम पर अपना बिजनेस चलाते हैं और लड़ते हैं बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से जो मशीनों के जरिए इस तरह का काम कर रही हैं। 28 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होगी और उम्मीद की जा रही है कि ये एक स्पेशली पेट्रियोटिक फीलिंग जगाने वाली फिल्म बन जाएगी।